न मावा, न छेना, न चाशनी, न कोई मैदा सूजी। आज हम बनाएंगे घर के रखे सामान से बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई। इस मिठाई के आगे बाजार की महंगी महंगी मिठाइयाँ भी फीकी लगेंगी। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्रजवासी व्यंजन में। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और मैंने यहाँ पर कढ़ाई में करीब 1 लीटर दूध लूँगी। ये दूध जो है फुल क्रीम है, वैसे बॉईल किया हुआ है। सबसे पहले हम इसको एक बार और बॉईल करेंगे। ये मिठाई इंस्टेंट मिठाई है, इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये फटाफट से बन जाती है। इसमें उबाल आने देते हैं। देखिए एक उबाल आ गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे मलाई। मलाई तो हमारे घर पर होती ही है, जो दूध के ऊपर आती है, बस वही 2 बड़ी चम्मच करीब लेनी है, उसे हम इसमें मिलाएंगे। इससे एक ही बहुत ही बढ़िया क्रीमी टेक्सचर आएगा। और इसमें मलाई डालने के बाद इसमें उबाल आने देते हैं और मलाई को मेल्ट होने देते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जैसे ही हमारी मलाई मेल्ट हो जाएगी, इसमें मिलाएंगे 1/2 कप करीब मिल्क पाउडर, आप कह सकते हैं, या 4 छोटी चम्मच करीब। इससे हमारी मिठाई में बिल्कुल मावा जैसा टेस्ट आएगा। जैसे ही हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे, ये जल्दी से गाढ़ा होने लग जाता है, तो इसको लगातार हम चलाते रहेंगे जिससे ये नीचे लगे ना। इसको करीब हम 5 से 10 मिनट पकाएंगे और जिससे ये गाढ़ा हो जाए, और इसके साइड से जो भी मलाई आए हम उसको इसी में डालते जाएंगे। इसमें मलाई नहीं पड़ने देंगे साइड में भी। तो इस तरीके से इसे ज़्यादा पकाने का झंझट नहीं रहता है, ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाता है। देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें मिलाएंगे चीनी। मैं यहाँ पर 1 कप करीब चीनी ले रही हूँ। आप टेस्ट और पसंद के अनुसार थोड़ी बहुत कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो देखिए चीनी मिलाने के बाद हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे। फ्लेवर के लिए 1/2 चम्मच मिलाएंगे इलायची पाउडर और इसको भी मिला लेंगे। इस पोजीशन पे आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं अपने पसंद के अनुसार। मैं यहाँ पर थोड़े से कटे हुए पिस्ता और बादाम ले रही हूँ। अब हम इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे। परफेक्ट, लीजिए हमारी स्वादिष्ट रबड़ी इंस्टेंट बन करके तैयार हो गई है। देखिए ऐसा मन कर रहा है कि इसको अभी खा लें। पर इससे बनाने वाले हैं हम बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई। इसके लिए मैंने ब्रेड लिए हैं और ब्रेड के हम जो किनारे हैं उनको हम काट करके अलग कर लेंगे। किनारे थोड़े से हार्ड होते हैं और जो सॉफ्ट भाग है उसको हम रखेंगे। इससे पता भी नहीं चलेगा कि ये मिठाई हमने ब्रेड से बनाई है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसके चारों किनारों को काट दिया है। इसी तरीके से हम सभी ब्रेडों को तैयार कर लेंगे। और ब्रेड के बचे हुए किनारों को आप फेंके नहीं, आप चाहें तो कोई रेसिपी बना लें या फिर कोई मिठाई बना लें, और नहीं तो आप ब्रेड क्रम बना करके रख सकते हैं। जब भी आपको आवश्यकता हो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से सभी को काट करके तैयार कर लिया है। अब हम कोई ट्रे लेंगे और इस तरीके से हम रबड़ी को थोड़ा सा फैला लेंगे इस तरीके से नीचे। आप इस मिठाई को ब्रेड डेजर्ट या फिर पुडिंग या फिर आप चाहें तो ब्रेड कलाकंद भी कह सकते हैं। नाम इसका आप जो भी दें, लेकिन मिठाई आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो देखिए इस तरीके से हमने एक पतली सी लेयर लगा ली है। अब हम इसमें लगा लेंगे ऊपर से ब्रेड। ब्रेड को हम ट्रे में अच्छी तरीके से सभी तरफ लगा लेंगे, कवर कर देंगे पूरी तरह से, और जो भी छोटे जो खाने रह जाते हैं हम उनमें भी कवर कर देंगे इस तरीके से। देखिए मैंने पूरी ट्रे में कवर कर दिया है ब्रेड को। और इस तरीके से ब्रेड को कवर करने के बाद इस पर डालेंगे हम मीठा दूध, जिससे हमारी ब्रेड थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए मैंने इस तरीके से इस चारों तरफ इसमें दूध को फैला दिया है। दूध को हमें ज़्यादा नहीं लेना, केवल 1 कटोरी दूध लिया है उसी को हमने फैलाया है। अब हम इस पर लगा देंगे एक पतली सी लेयर अपनी रबड़ी की। यहाँ पर रबड़ी की लेयर लगाना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगाएं, अगर नहीं आपके पास हो ज़्यादा तो आप ना लगाएं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा लेकर के इस तरीके से पतली सी लेयर फैला दीजिए, यानी 1-2 चम्मच ही काफ़ी हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने फैला दिया है। अब हम इस पर लगाएंगे दोबारा से ब्रेड की लेयर, और इस तरीके से हम ब्रेड को चारों तरफ लगा देंगे, इसमें पूरी तरह से कवर कर देंगे। जो भी हमारे छोटे जो हिस्सा रह गया है उसमें भी हम इसके टुकड़ों को कवर कर देंगे। और अच्छी तरीके से लगाने के बाद इसके ऊपर से हम अपनी बची हुई रबड़ी को पूरी तरीके से फैला देंगे। हमें विशेष ध्यान रखना है, रबड़ी हमें अब अच्छी तरीके से फैलानी है इस पर, यानी कोई भी पार्ट ब्रेड का दिखना नहीं चाहिए। देखिए इस तरीके से मैंने रबड़ी को अच्छी तरीके से लगा दिया है, पूरी तरीके से मैंने ब्रेड को कवर कर दिया है। ये हमारी परफेक्ट तैयार हो गई है। अब ऊपर से डाल देंगे हम ड्राई फ्रूट अपने पसंद के अनुसार। मैंने यहाँ पर कटे हुए बादाम, पिस्ता और काजू लिए हैं। आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं।
लीजिए, इस तरीके से ड्राई फ्रूट डालने के बाद ये हो गया तैयार। इसको रख देते हैं 30 मिनट के लिए लगभग फ्रिज में और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। लीजिए, इस तरीके से हमारा ब्रेड कलाकंद बन करके रेडी हो गया है। देखिए, अच्छी तरीके से सेट हो गया है। अब चलिए हम करते हैं सर्व। लीजिए, आप इस तरीके से इसको अपने मन पसंद आकार में काट करके सर्व कर सकते हैं। कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये हमने ब्रेड से बनाए हैं। इस तरीके से बनाइए और इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, धन्यवाद।